रोजगार दो, नहीं तो हमें मार दो। पोल्यूशन लोग हम खाएं और मजे बाहर के ले। कंपनी भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे जब तक यहाँ के लोकल लोग इस कंपनी में नहीं लगते। हम दो तीन बार पहले भी आ चुके थे और हमें ऐसे बता दिया कि तुम गेट से बाहर निकलो, यहाँ लोकल अलाउड नहीं है। पूरी कोशिश करेंगे इनको न्याय मिले। बुद्धल टू मोहर जो है हाईवे रोड बन रहा है उसके अकॉर्डिंग सुंगड़ी क्षेत्र में यहाँ पर SGI कंपनी है जिन्होंने ये काम लिया है और ये ऑफिस देख सकते हैं और यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। मांग यही है कि पहले नंबर स्थानीय लोगों को यहाँ लगाया जाए। इसको लेकर आज जो है प्रदर्शन किया गया था ये सुंगड़ी क्षेत्र में और लगातार यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लगाया जाए और उनसे ही काम किया जाए ताकि उनको भी रोजगार मिल सके। लेकिन अरे मांग थी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोकलों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले जो कि नहीं मिल रही थी। यहाँ पे यहाँ के जो PM है वो टोटली डिनाई कर रहे थे कि लोकलों को एम्प्लॉयमेंट देनी नहीं है। वो जो भी कोई भी स्टाफ था बाहर से लेके आ रहे थे इसलिए हमारा स्ट्राइक थी। आज तहसीलदार साहब आए थे साथ में कंसर्निंग SHO साहब आए थे, उन्होंने अश्योर किया हमें कि जो भी आपकी डिमांड्स है उनको फुलफिल किया जाएगा। हमारी डिमांड ये थी कि जो भी यहाँ पे लोकल काम है जैसे ठेकेदार भी ये बाहर से लेके आ रहे हैं, हमें लोकलों को कोई पूछ नहीं रहा है। यहाँ पे हमारी यहाँ पे जमीने गए, यहाँ पे उन्होंने बैचिंग प्लान लगाए हुए हैं, यहाँ पे साथ में ये मैगनम प्लान लगा रहे हैं, चार पाँच पोल्यूशन लोग हम खाएं और मजे बाहर के लें। तहसीलदार साहब ने कहा कि कल जो भी होगा यहाँ के लोकलों के वेलफेयर के लिए होगा, देखते हैं क्या होता है। तहसीलदार साहब अभी आए थे, SHO साहब आए थे, उन्होंने कहा कि ऑफिस में अगर कल हमारी बात मानी जाती है तो ये आंदोलन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर ये बात वहाँ पे भी उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं निकलता तो ये आंदोलन ऐसे ही कंटिन्यू भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे जब तक यहाँ के लोकल लोग इस कंपनी में नहीं लगते। भाई मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मतलब काम यहाँ हमारे बुद्धल टू गूल पे लगा है, 92 किलोमीटर रोड है और हम भी चाहते हैं हमें यहाँ रोजी मिल जाए। हम भी ऑपरेटर बाकी ड्राइवर हैं जो भी है हम सबको यहाँ मतलब रोजी मिल सके, हम यही चाहते हैं। हम दो तीन बार पहले भी आ चुके थे और हमें ऐसे बता दिया कि तुम गेट से बाहर निकलो, यहाँ लोकल अलाउड नहीं है। और इसके बाद आज ही हम दोबारा आए तो अब पता चलेगा अब क्या होगा। कल के लिए बुलाए तहसीलदार ने बुलाया अपने ऑफिस में तो हम जाएंगे, उसके बाद देख सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोकल युवा है ये डिमांड कर रहे थे कि जो कंपनी के जो भी काम है उसमें लोकल लोगों को ही प्रायोरिटी दी जाए, तो इनसे बात हुई है। कल इनके प्रोजेक्ट मैनेजर और ये कुछ यहाँ इनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे कल ऑफिस में, तो मिल बैठ के उनसे डिटेल में बात करेंगे, कोशिश करेंगे जहाँ के मैक्सिमम लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से जहाँ पर जॉब मिले, पूरी कोशिश करेंगे इनको न्याय मिले। चसाना के जो तहसीलदार हैं वो मौके पर पहुँचते हैं और SHO जो चसाना के हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं और बातचीत के बाद जो SGI के PM है उनसे फ़ोन पर बात होती है और कल का समय दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि जो SGI के PM है क्या इनसे बातचीत करने के बाद क्या स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाता है कि नहीं। अगर साफ तौर से कह दें कि स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि अगर कल बातचीत में ये अगर रोज़गार नहीं दिया जाता है तो ये आंदोलन जो है ये प्रोटेस्ट है लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।